हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा एक ब्रीडिंग सेटअप है। इसमें कुछ बर्ड्स ब्रीड किए हैं, आज हम उसको चेक करेंगे। चलिए आज उसको चेक करते हैं। ये मेरा एक ग्रीन फिशर का पेयर है जो बाहर आ गया। इसका दो चिक्स है, एक्चुअली इसमें पांच चिक्स था, उसमें से दो चिक्स शिफ्ट कर दिए और एक चिक का डेथ हो गया, तो अभी दो चिक्स हैं। पांच में से दो चिक को क्यों शिफ्ट किया और एक का क्यों डेथ हुआ, चलिए जानते हैं। मान लीजिए एक पेयर ने पांच एग्स दिए हैं, जो फर्स्ट एग आया है वो फर्स्ट हैच होता है, जो लास्ट एग आया है वो लास्ट हैच होता है। जब फर्स्ट एग हैच हो जाता उसके 10-12 दिन के बाद लास्ट एग हैच होता है, तो वो लास्ट चिक बहुत ही छोटा रहता है, तो बड़ा चिक्स उसके ऊपर आ जाने से वो ठीक से घूम नहीं पाता है, तो उसके नीचे दब के मर जाता है। तो सेम साइज का चिक्स एक जगह शिफ्ट कर देते हैं, तो दब के मरने का चांस कम हो जाता है। ये एक रोजी का पेयर है, इसका चार चिक्स है, ये तीन चिक्स है, अंदर एक चिक्स है, वो थोड़ा छोटा है। ओ, ये पेयर तो फिर से एग ले कर दी है। ये उसका फोर्थ या छोटा चिक्स है। आपको पेयर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो पेयर है और उसका तीन चिक्स और एक चिक साइड में है। यहाँ पे हम एडल्ट और बच्चे में डिफरेंस जानेंगे। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो एडल्ट पेयर है उसका चोंच बिल्कुल साफ है और पैर थोड़ा वाइट रहेगा और उसका गले से सर तक पूरा डीप रेड रहेगा। लेकिन एक बच्चे में पकड़ के दिखाता हूँ आपको। ये एक रोजी का बच्चा है, इसका चोंच देख सकते हैं, काला काला मार्क है। जब ये एडल्ट होते जाएगा इसका मार्क क्लियर हो जाएगा और उसका गला और सर से हल्का रेड है, लेकिन ये जब एडल्ट होगा पूरा रेड हो जाएगा। उसका पाँव काला काला है, जब वो एडल्ट होगा उसका वाइट वाइट आ जाएगा। ये एक पेयर है जो रोजी पाइड स्प्लिटिनो मेल और लोटिनो ऑफलाइन का फीमेल है। इसका पांच एग है, जिसमें से दो हैच हो गया है और दो डेड इन सेल हो गया और एक है। ये भी एक ग्रीन फिशर का पेयर है, जिसका फीमेल बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। इसका तीन चिक्स है। ये जो केज है ये 4x2x2 का है, इसमें दो पेयर है, एक ग्रीन फिशर एक कोबाल्ट है। ग्रीन फिशर का तीन चिक्स है, एक अपना चिक्स, दो शिफ्ट किया हुआ। और ये है एक कोबाल्ट का, जो तीन एग ले किया है। एक पेयर ने जब एग ले कर देता है, फीमेल उसको इंक्यूबेट करता है और बीच में एग को घुमाता रहता है। जब वो सारे एग में से बच्चे आ जाते हैं, वो सेम आके उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से घूमते हैं। फीमेल उसके ऊपर बैठने की वजह से वो लोग घूम नहीं पाते हैं, तो फीमेल के नीचे दब के डेथ होने का चांस होता है और इसी वजह से मेरा एक चिक डेथ हो गया। तो आपको क्या करना है, एक अनफर्टाइल एग उसमें रख देना है, तो फीमेल आके बच्चे के ऊपर नहीं बैठेगा, वो एग्स के ऊपर बैठेगा, तो बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे।